भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मेरे भक्त हैं मुंबई में सूरज बढ़ जात्या, राजश्री पिक्चर्स, जब मैं उनके घर गया, उनकी बड़ी माँ आज भी मेरी भक्त है, सूरज जी के घर गया, वहां पर मैं रुका। एक अजीब बात, जैन समाज का इतना धनाढ्य परिवार, रिच परिवार, ताराचंद बड़जात्या और सूरज बड़जात्या को कौन नहीं जानता है। उन्होंने मुझे बताया कि सूरज जी की जो बेटी है, जो बच्चे हैं, मालूम है जब स्कूल जाते हैं तो घर की कार नहीं मिला करती है, वह बस से स्कूल जाते हैं। ध्यान रखिए, और कभी बस छूट जाए तो कार जाती है लेकिन वो स्कूल तक नहीं जाती है, थोड़ी दूर उतार के कार वापस लौट आती है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि स्कूल वालों को ये पता ना चले कि बड़जात्या परिवार की बेटी है, ध्यान रखना, वरना फिर हमारे बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, उन्हें संभल संभल के पढ़ाएंगे। और अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को उन्होंने कहा, ये दौलत माँ बाप की कमाई है, बेटा खुद की दौलत कमाना, फिर ऐस करना अपनी जिंदगी में, साधारण जिंदगी जियो, कोई ऐसो आराम नहीं होना चाहिए, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसी विसंगतियां नहीं आना चाहिए, टाइम से घर जाना और टाइम से वापिस। यदि कार दे दी जाएगी तो हो सकता कॉलेज नहीं जाए, कार से कहीं और जाए और शाम को वापस लौट आए, लेकिन जब स्कूल बस से बच्चे घर स्कूल जाएंगे तो स्कूल जाएंगे और सीधे घर वापस लौट करके। इतना बड़ा परिवार आज भी सादगी का जीवन जीता है, ध्यान रखना। आप लोग सोचते हैं थोड़ा पैसा हो जाता है उछलने लगते हो, जो खानदानी अमीर होते हैं ना, उनकी जिंदगी जीने की स्टाइल अलग हुआ करती है, ध्यान रखना। उनमें उफान नहीं आता है, वो ज्यादा उछला नहीं करते हैं, इतना सादगी का जीवन है कि पूरे घर में हम 3 दिन रहे, ऊंची आवाज में उनके यहां नौकर भी बात नहीं करता है, ध्यान रखना, इशारे इशारे में बात होती है। और अपने यहां तो ऐसी होती है कि पूरा मोहल्ला जाग जाए, ऐसी बात होती है पति पत्नी में, ध्यान रखना, ऐसा व्यवहार होता है, इतनी जोरों से बात होती है, वहां बिल्कुल धीरे से बात की जाती है, ध्यान रखना। सादगी का जीवन, संस्कारित जीवन, लाड़ प्यार करो पर इतना नहीं कि जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाए। आजकल इतनी आधुनिक हो गई, यहां की महिलाओं की बात नहीं है, अहमदाबाद में हमने देखा, कौन बोला महाराज दोबारा अहमदाबाद नहीं जा पाओगे, किटी पार्टी में जा रही हैं महिलाएं, यहां भी होती होगी, इतने दूध के धुले तो नहीं है, नहीं है, बहुत पिछड़ा गांव है तुम्हारा, पिछड़ा गांव नहीं, यदि नहीं होती है तो दुनिया के लिए आदर्श गांव होना चाहिए, ध्यान रखना, विचार कर। एक बाप अपने बेटे से मसाला मंगवाता है, पान मसाला लेकर आओ दुकान से, सिगरेट बुलवाता है अपने बेटे से। मैं कहता हूं जो बाप अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, जो बाप अपने बच्चों के सामने पान मसाला खाते हैं, उन बाप को माता पिता होने का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, ध्यान रखिए। आज बच्चा आपके लिए लेने जा रहा है, कल बच्चा अपने लिए लेने जाएगा, ध्यान रखिए। संस्कार तुमने दिए हैं, ये शिक्षाएं तुमने दी हैं, एक बात याद रखना, यदि अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हो, माता पिता बनने की औकात ना हो तो बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए, और बच्चों को जन्म देना है तो एक आदर्श माता पिता बन करके तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि बच्चों की गलती है, गलती कहीं और से हो रही है, ध्यान रखना। एक बाप घर में है, एक मित्र उससे मिलने आ रहा है, जैसे ही मिलने आया बाप ने देखा बेटा वो इंटरनेशनल ठस आदमी आ रहा है, मेरा दोस्त एक घंटा माथा खाएगा,
तो बोले क्या करूं पापा? बोले पूछे पापा कहां है, तो कह देना बाजार गए हैं, ध्यान रखना। अभी झूठ बोलने के संस्कार, बच्चा तो बच्चा है, पापा छिप गए। दोस्त आया, उसने कहा और गोलू पापा कहां है? बोले स्कूल गए हैं, बाजार गए हैं। बोले कब लौटेंगे? बोले 5 मिनट ठहरो, मैं पूछ के पापा से बताता हूं। अब बच्चे तो बच्चे भाई, वो क्या समझे कि क्या होता है, ध्यान रखना। मान्यवर ये आत्मघाती संस्कार है। फिर आप कहते हैं हमारा बच्चा झूठ बोलने लगा। ये छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं दिया करते हैं, बातें छोटी हैं लेकिन बहुत बड़ी हो जाया करती हैं, ध्यान रखना। ये झूठ बोलने के संस्कार तुमने ही दिए हैं, वो ध्यान रखना। यदि इस तरह के संस्कार देते रहोगे और ये कॉन्वेंट के दड़बे में बच्चों को पढ़ाते रहोगे जहाँ संस्कार नाम की चीज नहीं हुआ करती है, एक बात याद रखना, मैंने एक ऐसा बेटा देखा है जिसको माँ बाप ने बड़े नाजों से पढ़ाया, कॉन्वेंट की शिक्षाएं दी, आधुनिक शिक्षाएं दी। जब बच्चा पढ़ लिख कर वापिस आता है, उस बच्चे से सब्जी की डोलची नहीं उठा करती है, ध्यान रखना है। एक नल नहीं आए, एक बाल्टी पानी लाना है ना, तो हाथ में छाले आ जाते हैं उसके, ध्यान रखना। मैंने कहा यार ये लड़का पैदा किया या लड़कियां पैदा की? और हमारे देश में तो लड़कियां भी ऐसी नहीं हुआ करती हैं, हमारे देश में तो वो लड़कियां हुआ करती हैं जो ममता को छाती से लगाकर जिया करती हैं। वो वक्त पड़ जाए तो झांसी की रानी ममता को पीठ पर बांधकर तलवार भी उठाने की ताकत रखा करती है। वो बेटियां होना चाहिए जो हाथ में शस्त्र भी उठा सके। एक बाल्टी पानी नहीं उठता है, बच्चे को बोलो सब्जी लेकर आओ तो बच्चे सब्जी नहीं लाता है, आटे का कनस्तर नहीं उठता है। ये इन औलादों से क्या होगा? ये तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे, देश समाज की रक्षा करेंगे? मैं तो कहता हूं कि स्कूल की शिक्षा वो होना चाहिए कि कोई ऐसा बच्चा ना हो। आज किसी बच्चे से हाथ मिलाओ तो इतना मुलायम हाथ लगता है, इतना मुलायम। मैं तो मिलाता ही नहीं, लफड़े में पड़ते ही नहीं हूं, ध्यान रखना। लगता ही नहीं किसी मर्द का हाथ पकड़ रहे हैं, ध्यान रखना। अरे शिक्षा तो वो शिक्षा होना चाहिए, ऐसी शिक्षा नहीं होना चाहिए कि एक अटैची उठाना है तो उसे रिक्शा देखना पड़े, उसे गाड़ी देखना पड़े, मंदिर जाना है तो मोटरसाइकिल देखना पड़े। बच्चे से चला नहीं जाता, बच्चा थक जाता है, बच्चे से काम नहीं होता है। अरे ऐसी औलाद नहीं चाहिए मेरे हिंदुस्तान को। मेरी हिंदुस्तान को तो वो शिक्षा चाहिए जो लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल बना करके खड़ा कर दे। मुझे भगत सिंह जैसे लोग चाहिए। ऐसे लड़कों का क्या करोगे जिनसे एक बाल्टी पानी नहीं उठता है? ध्यान रखिए, इससे देश का और भारत का भविष्य नहीं बच सकता है। मान्यवर, पढ़ लिख कर वो बेटा आया, माँ बाप ने कुछ कह दिया, पापा कार दिलाओ, पापा ये दिलाओ, वो दिलाओ, मोबाइल दिलाओ। मान्यवर विचार करिए, वो बाप की हैसियत नहीं देखता है, अपनी इच्छाएं देखा करता है। ऐसी भी औलाद इस देश में पैदा हो गई। हमें कुछ भी करो, मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए, खाना छोड़ देगा फोन चाहिए। मान्यवर, जब कोई कहते हैं ना कि कोई माँ अब दुहाई देगी ना बेटा, हमने तो में 9 महीने अपने पेट में रखा है। मालूम है बच्चा क्या कहता है? आज का पढ़ा लिखा किसने कहा था? हमने कहा था क्या? हम अपने आप आए हैं क्या तुम्हारे पास? पैदा किया है तो जरूरत भी पूरी करो। क्यों किया हमें पैदा? और हमारी जरूरत पूरी कर रहे तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया? हर माँ बाप जरूरत पूरी करते हैं। मालूम है इस संस्कार के बच्चे जब बुढ़ापा आएगा ना, मैंने देखा है एक बच्चा कहीं से एल्बम लेकर आया, 21 साल का बच्चा, तो माँ बाप को एल्बम दिखाता है, माँ बाप एल्बम देखते हैं, पन्ना पलटते जाते हैं, पलटते जाते हैं, होश उड़ गए। माँ बाप ने कहा ये क्या दिखा रहा है? बोले देख लो इसमें सबसे अच्छा वृद्धाश्रम कौन सा है। ध्यान रखिए, आपकी औलाद आपको वृद्धाश्रम देगी यदि आपने अच्छे संस्कार प्रदान नहीं किए तो। ध्यान रखना, वो दिन हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। इस सड़ी गली संस्कृति विदेशों की हमारे देश में परोसी जा रही है। बच्चा स्कूल से आता है, जूता फेंक देता है,
बस्ते फेंक देता है, किताबें फेंक देता है, मम्मी दौड़ी दौड़ी जाती है, जूते की लेस बांधती है, धक तेरे की। हमारा समय वह था कि स्कूल जाते थे तो माँ बाप के पैर छुआ करते थे, आज बच्चा आता है तो माँ बच्चे के पैर छूती है, लेस खोलती है जूते की। अरे बोलो, अपने हाथ से खोल। जो बच्चा अपने जूते की लेस नहीं खोल सकता, फीता नहीं खोल सकता है, वो बुढ़ापे में क्या तुम्हारे सपने साकार करेगा? ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, इतना लाड़ प्यार मत करो। बच्चा आता है, मम्मी भूख लगी, मम्मी भी आ जाती है टीवी स्टाइल में, बेटा 2 मिनट मैगी लाई। ध्यान रखना, ये तो तुम्हारे घर के नजारे हो गए हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यदि आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए ना, अच्छे बच्चों की परवरिश नहीं की ना, तो जो हाल आज बांग्लादेश के हो रहे हैं, वो हाल कल हमारे देश के भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए, एक सेठ ने बहुत इज्जत कमाई अपनी समाज में, इतनी इज्जत कमाई कि जो देखे वो उसकी इज्जत करता, जहां से सेठ गुजर जाए लोग खड़े हो जाते, लोग जय जिनेंद्र करते, लोग जय राम जी के करते, सारी दुनिया के फैसले वो सेठ करता था, पूरे शहर के। एक दिन सेठ अपनी दुकान पर बैठा था, अचानक पुलिस की गाड़ी रुकी। सेठ ने कहा, मेरी दुकान पर पुलिस, क्या बात है? 2-3 पुलिस वाले उतरे। सेठ ने कहा, क्या हुआ? बोले, सेठ जी हमें माफ करना, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज हम मजबूर हैं कि हमें तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार करना पड़ रहा है। सेठ ने कहा, मेरे बेटे को गिरफ्तार? बोले, हाँ, उसने बदसलूकी की है, कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ की है, उसे हम अरेस्ट करके ले जाएंगे। बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? सेठ ने देखा कि बच्चा पुलिस आने से पहले घबराया हुआ घर के भीतर छिपा है। सेठ भांप नहीं सका, लेकिन पुलिस के आते ही स्थिति स्पष्ट हो गई। सेठ ने कहा, एक काम करो, इशारा किया, जाओ अंदर है मेरा बच्चा, अरेस्ट करो उसे, इसने गलत काम किया है। पुलिस गई, बच्चे को पकड़ के लाई। बच्चा कहता है, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे छुड़ा लो। सेठ भी बाप था, दुकान से बाहर निकला, पुलिस वाले के पास गया और 5,000 रुपए निकाल कर पुलिस वाले को दिए। पुलिस वाले ने कहा, सेठ जी आप ये कर रहे हैं, आपकी तो बड़ी ख्याति है, आपकी तो बड़ी प्रशंसा है, आपकी तो बड़ी प्रतिष्ठा है, आप तो आदर्श लोगों में माने जाते हैं, आप रिश्वत दे रहे हैं। पुलिस वाला समझ रहा था कि शायद सेठ यही कहेंगे कि इसको मारना मत, आधे एक घंटे में वापस छोड़ देना। लेकिन मालूम है वो सेठ बड़ा अजीब, उसने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, यदि मेरे बच्चे ने गलत काम किया है ना, ये 5,000 रुपये उसे छुड़ाने के नहीं दे रहा हूँ, मेरा बच्चा है ये सोचकर उसे छोड़ना मत, इतनी मार लगाना कि दोबारा किसी की बेटियों को देखने की हिम्मत ना हो पाए, इसको ध्यान रखना, ये बुरी निगाह से किसी को ना देख सके, इतने याद आ जाए, इसकी आत्मा दहल जाए, इतनी मार इस बच्चे को लगाना, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे प्रदान कर रहा हूं। ध्यान रखिए मान्यवर, पुलिस वाले ने हाथ जोड़े सेठ के। सेठ ने कहा, नहीं, बिल्कुल इसे सजा दो, यदि इसने गलत किया है भले मेरा बेटा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली में निर्भया कांड हो जाता है, लड़की के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, बस में लड़की की इज्जत लूट ली जाती है, आज हमारी बेटियां सड़कों पर चलती है, कोई भरोसा नहीं है, एक माँ 10 बार फोन करती है, बेटा तू कहाँ है, कैसी है,
तूने खाना खाया, तूने पानी पिया। हकीकत बताऊं ऋषभ देव वालों, कोई माँ ये नहीं देखती है कि बेटी ने खाना खाया या नहीं खाया, मोबाइल पर ये पता करती है वो मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं है। ध्यान रखना, आज बेटियां घर से निकलती हैं शाम को सुरक्षित लौट आए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। निर्भया जैसे कांड हो जाया करते हैं, सामूहिक बलात्कार उस बच्ची से कर दिया जाता है। आपको मालूम है वह कहानी? ये कहानी नहीं, हकीकत है, दिल्ली की घटी घटना। ऐसी कई निर्भया हैं जिनकी आबरू लूटी जा रही है इस देश में, ऐसी कई बेटियां हैं जिनका सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है, लोग कानून से गुहार लगाते हैं। मैं पुलक सागर, मैं तो कहता हूं कि अखबार के मेन फ्रंट पर मेरी ये आवाज जाना चाहिए, ये बेटे ये दुनिया ना पुलिस से सुधरने वाली है ना कानून से सुधरने वाली है। क्या हुआ उसका? 5 बच्चों ने बलात्कार किया और उसके मां बाप कहते हमारा बच्चा नाबालिग है, ध्यान रखिए, इसे कानून छोड़ दे, मुक्त कर दे। अरे दूसरे की बेटी है तो तुम्हारा बच्चा नाबालिग है, और यदि नाबालिग है तो बालिग जैसे काम क्यों करता है? ध्यान रखिए, कानून भी बड़ा लचीला है, नाबालिग कहकर छोड़ दिया जाता है। कानून के भरोसे देश नहीं सुधरने वाला। मैं तो पुलक सागर कहता हूं, ऐसा देश बना दो, ऐसा वतन बना दो, ऐसा समाज बना दो अपना कि तुम्हारा बेटा यदि किसी लड़की के साथ गलत करके आए ना, घसीट के लाना उस बेटे को घर से बाहर, वो चौराहे पर खड़े होकर उसकी इतनी पिटाई करना और पुलिस के हवाले करना कि तूने आज किसी की बेटी की इज्जत पर निगाह डाली है। ध्यान रखिए, वो जिस दिन मेरे देश के लोग अपनी औलाद को खुद सजा देने लगेंगे उस दिन मेरा देश महान बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, मैं जागृत करता हूं समाज को, जन जागरण कर रहा हूं, अपनी औलाद को महान बनाना कानून का काम नहीं, पुलक सागर का काम नहीं। मुझसे जितना बनेगा उतना तो मैं करता ही रहूंगा, लेकिन अपनी औलाद को गलत राय से बचाना ये माँ बाप का काम हुआ करता है, आपकी जिम्मेदारी हुआ करती है। आप ध्यान रखो बेटा किसके साथ घूमता है, बेटा किसके साथ खाता है, बेटा क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, कौन से कॉलेज में है, कौन से स्कूल में है, कॉलेज जाता भी है या नहीं जाता है। ऐसा तो नहीं कि उदयपुर अहमदाबाद जाता है और मौज मस्ती करके लौट करके वापिस आ जाता है। ध्यान रखिए, नहीं मेरे भाई, ध्यान रखिए, इतना आदर्श इतनी छूट मत दो अपनी औलाद को, वरना बच्चों का भविष्य और तुम्हारा बुढ़ापा बदलने बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान रखिए।